वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़ एंड वेलकम टू फ्लाहे एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्पेलिंग्स के रूल्स के बारे में। जी हाँ, स्पेलिंग्स जनरली क्या होता है, जब हम लिखते हैं तो अगर हमारी स्पेलिंग हम गलत लिखते हैं या फिर कोई चीज़ करते हैं तो जो हम अगर हम पेपर में कोई भी चीज़ तो हमारा इंप्रेशन बहुत ज़्यादा गलत इंप्रेशन जाएगा जब हम यहाँ पे स्पेलिंग्स रॉन्ग कर देते हैं। तो इसलिए भैया सही स्पेलिंग लिखना बहुत जरूरी है। तो स्पेलिंग्स लिखने के लिए आपको उसका जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी सही होना कहीं बहुत हद तक सही होता है। अगर आप प्रोनाउंसिएशन सही बोलेंगे तो सही लिखें तो वो चीज़ होती है। या फिर जो और बहुत सारे एक्चुअली क्या है कि प्रॉब्लम यह होती है कि बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड ऐसे होते हैं कि स्पेलिंग सेम हो, मीनिंग अलग होते, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे क्या होता है कन्फ्यूज हो जाते हैं हम। तो मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको स्पेलिंग्स को सही लिखने में मदद करेंगे। तो आइए बताता हूँ आपको, आप चलते हैं हम आपके पहले रूल पर। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं आपके जो एक ही सिलेबल के होते हैं, जी हाँ, तो इनके जब एक सिलेबल होता है उनके लास्ट में एक कॉन्सोनेंट आता है और उससे पहले एक वोवेल, जैसे वोवेल्स पता ही आपका ए ई आई ओ यू, अगर लास्ट में सबसे लास्ट में कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वोवेल आता है तो ऐसे वर्ड में अगर आप उनको वोवेल लेटर जो अगर उन पर सफिक्स लगता है, सफिक्स मतलब क्या होता है, सफिक्स लगता है तो इसको कॉन्सोनेंट सफिक्स का मतलब पता ही आप क्या होता है, जो पैर जो आपका शब्द के बाद में लगाया जाए। सफिक्स क्या होते हैं, जो आपके वर्ड के लास्ट में लगे वो सफिक्स होते हैं। तो आपके जब सफिक्स लगता है तो उसकी जो स्पेलिंग होती है कॉन्सोनेंट की, जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट था उसको डबल कर दिया जाता है, जैसे रन, आर यू एन रन, तो आप देखेंगे लास्ट में रन में ना ना आपका कॉन्सोनेंट, उसके पहले क्या आ रहा है आपका यू, यू क्या आपका वोवेल है। तो यहाँ जब हम इसको सफिक्स जोड़ेंगे मतलब आई एन जी जोड़ेंगे तो आपका जो एन हो जाएगा वो डबल हो जाता है, आपको हो जाएगा रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग। या जैसे रॉब, आर ओ बी रॉब, तो बी आपका कॉन्सोनेंट है, ओ उसके पहले वोवेल है, तो इसमें भी क्या करेंगे आर रॉब्ड करता हूं मैं इसको तो आर ओ डबल बी ई डी रॉब्ड। जैसे पुट, पी यू टी पुट, तो आपका पुटिंग, पुटिंग स्पेलिंग क्या होगी पी यू डबल टी आई एन जी, तो डबल टी आ जाता है, क्यों आ जाता है क्योंकि पी यू टी, तो टी आपका कॉन्सोनेंट उसके पहले आपका क्या यू वोवेल है, तो इसमें आप अगर आप सफिक्स जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको डबल टी करना पड़ेगा पी यू डबल टी आई एन जी। इसी तरह से गेट, गेट का हो जाएगा गेटिंग जी ई डबल टी आई एन जी गेट, प्लान पी एल एन प्लान का प्लानिंग तो पी एल ए डबल एन आई एन जी प्लानिंग। इस तरीके से आपका पहला रूल होता है फिनिश। अब आते हैं दूसरे रूल पर, जब आपका क्या होता है, जब आपके इसमें अभी पहले में हमारा था एक ही सिलेबल था, जब आपके एक से ज्यादा सिलेबल आए तो उसमें आपका जो सिंगुलर जो सिंगल आपका वोवेल होता है प्लस सिंगल कॉन्स्टेंट पे समाप्त हो, मतलब सिंगल वोवेल प्लस सिंगल कॉन्स्टेंट पे समाप्त हो जिसमें आपका एक से ज्यादा सिलेबल हो, अभी यहाँ पे एक ही सिलेबल बात हो रही है, पिछले में इसमें डबल सिलेबल की बात हो रही है जिसमें आपका जो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट था वो भी आपका डबल हो जाए, जैसे विघ्न, तो वी आई बी आई जी आई एन बी आई बी ई जी आई एन, तो इसमें डबल सिलेबल और ई जी आई एन, तो देखो आई एन इन, तो इसमें एन लास्ट में आपका कॉन्सोनेंट आई वोवेल है उसके पहले जाएंगे तो जी आपका कॉन्सोनेंट ई वोवेल है, तो ये डबल हो गया सिलेबल, तो इसमें आपको जो आई एन जो है तो इसमें आई डबल एन आई एन जी, तो बिगिनिंग की स्पेलिंग क्या होगी बी ई जी आई डबल एन आई एन जी, समझ में आया, बिल्कुल जैसे सिंगल सिलेबल में डबल सिलेबल में, जैसे आपका परमिट पी ई आर एम आई टी परमिट, तो इसका क्या होगा पी ई आर एम आई डबल टी आई एन जी परमिट परमिटिंग परमिटेड या परमिटेड कर दो तो पी ई आर एम आई डबल टी ई डी परमिटेड, तो इस तरीके से आपका होगा। इसमें कुछ आपके एक्सेप्शन भी होते हैं जैसे सफर, तो सफर्ड होता है इसमें आपका डबल ही नहीं आता, ऑफर ऑफर्ड इसमें भी आपका डबल नहीं होगा, बेनिफिट बेनिफिट में भी आपका डबल टी नहीं आती है, तो यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी चलते हैं यार, कुछ हम रूल्स तो फॉलो कर सकते हैं कुछ एक्सेप्शन भी इंग्लिश में हमें करने पड़ते हैं। तो अब आते हैं रूल नंबर थ्री पे, रूल नंबर थ्री, अगर कुछ कोई वर्ड जो होते हैं बहुत सारे वर्ड जो होते हैं जो एल से एल लास्ट मन में एल आता है एल, तो इसमें जो आपका एल होता है वो डबल हो जाता है, जैसे क्यूरल क्यू यू ए डबल आर ई एल, क्यूरल में लास्ट में एल आया तो इसमें आप डबल एल हो जाए क्यूरल क्यू यू डबल आर ई डबल एल ई डी, तो डबल एल ई डी कर दिया। जैसे आपका ज्वेल जी जे ई डब्ल्यू ई एल, तो ज्वेलर करेंगे तो जे ई डब्ल्यू ई डबल एल ई आर, तो आपको लास्ट का जो वर्ड था एल जो था आपका डबल हो जाएगा इक्वल ई क्यू यू ए एल इक्वल में लास्ट में एल आर, इसमें क्या इक्वल्ड जैसे ई क्यू यू ए डबल एल ई डी इक्वल्ड, तो आपको जिसमें लास्ट में एल आता है उसको आप डबल एल कर देते हैं।
कुछ एक्सप्रेशन है आपके जैसे पैरलर PARALLEL पैरलर, इसमें आप अगर पैरलर्ड लिखेंगे तो डबल एल नहीं कर रहेंगे, PARALLELED पैरलर्ड होगा, डबल एल नहीं आएगा। अब आते हैं आपके रूल नंबर फोर पे। रूल नंबर फोर में आपके मैं आपको दो पार्ट में करके बताता हूँ। जैसे कुछ वर्ड जो होते हैं लास्ट में उनके ई आता है, कुछ जो वर्ड होते हैं उनके लास्ट में ई आता है, तो ऐसे में जिनमें आपका जो वोवेल, जो आपके ऐसे वोवेल्स, जो ऐसे वर्ड जो वोवेल के साथ शुरू होने वाले हो, तो उनमें आपका ई हट जाता है, उनमें क्या हो जाता है आपका ई हट जाता है। जैसे लिव LIVE, तो इसमें आपको होगा लिविंग LIVING। जब आपका जो सफिक्स आपका जो वोवेल के साथ चालू, जैसे आई है जी, तो आई भी आपका वोवेल ही है, तो इसमें आपका ई हट जाएगा। LIVE लिव, जैसे LIVE तो ई हट जाएगा, तो LIVING LIVING। लिविंग मूव MOVE मूव, तो इसमें मूविंग करेंगे तो ई हट जाएगा, MOVING मूविंग। तो ये आपका ये था। जैसे वैल्यू तो VALUE ये हो जाएगा वैल्यू, तो आपको जाएगा वैल्यूएबल, तो VUABL मतलब ई आपका हट जाएगा, क्योंकि इसमें आपका किससे साउंड, अगर वो किससे चालू हो आपका वोवेल से चालू। दूसरा देखें, अगर आपका वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, अगर जो आपका ई पे फिनिश हो लेकिन वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो इसमें भी आप, इसमें आपका सब्जेक्ट में अगर सफिक्स लगा तो पर ई लगा रहता, ई नहीं हटाते, वोवेल्स में हटा देते हैं, इसमें नहीं हट। जैसे आपका होप तो होपफुल, तो HOP होप और FUL होपफुल, तो दोनों आपके आएंगे। एक्साइट EXCIT एक्साइट, तो एक्साइटमेंट एम भी आपका कॉन्सोनेंट, तो एक्साइटमेंट, तो इसमें आपका ई नहीं हटेगा। जैसे एक्साइटमेंट क्या हो जाएगा EXCITEMENT एक्साइटमेंट। ऐसे कुछ एक्सेप्शन भी है आपके, एक्सेप्शन है जैसे ट्रू का ट्रूली, तो ई हट जाता है। जैसे TURLY तो एल आपका एल आ रहा है, इसके बावजूद भी आपका ट्रूली, जैसे आपका ट्रूली हो गया ड्यू, तो ड्यूली हो गया सिंपल का सिंपली, तो इसमें भी आपका इससे एक्सेप्शन है आपके, कुछ चलते हैं लेकिन आपका रूल यही हो। अब आते हैं आपके रूल नंबर फिफ्थ पे। रूल नंबर फिफ्थ, अगर जैसे कोई भी वर्ड जो आपको, तो अगर इनके लास्ट में CE या GE से फिनिश हो रहे हैं, CE या GE से फिनिश होते हैं, तो इनके साथ अगर हम ऐसे AO या U से शुरू होने वाले सफिक्स लगाते हैं, AO या U से शुरू होने वाले सफिक्स लगाते हैं, मतलब आपके जो शब्द के पीछे लगते हैं सफिक्स, वो उसमें ई लगा रहता है, ई नहीं हटता। जैसे रिप्लेस REPLACE रिप्लेस, तो आपके इसमें अगर मैं एबल लगाऊं तो एबल रिप्लेस एबल, तो रिप्लेस ए आपका सफिक्स में आ रहा है, तो इसमें आपका ई नहीं हटेगा, तो स्पेलिंग क्या होगी REPLACE रिप्लेस एबल। चेंज CHANGE चेंज, तो चेंजेबल, तो CHANGEABL इसमें आपका ए जो आपका ई है वो नहीं हटता। आई अब आते रूल नंबर सिक्स पर। रूल नंबर सिक्स क्या होता है, जब कोई वर्ड वाई से फिनिश हो रहा हो, किस पे फिनिश हो रहा है, वाई पे फिनिश हो रहा है, और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो आपका जब हम सफिक्स लगाते हैं तो इसमें आपका जो वाई होता है वो आई में बदल जाता है, वाई की जगह हम क्या लिख देते हैं आई, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, सफिक्स में ING हो तो ऐसा नहीं होता, बाकी में जैसे cried CRY cried, तो cried का तो CRIED हमने ED सफिक्स जोड़ा, इसलिए इसमें वाई किस में कन्वर्ट हो गया, आई में कन्वर्ट हो गया cried। या फिर जैसे देखेंगे आप कैरी CARRY कैरी, तो आ जाएगा CARRY CARRIED कैरी, लेकिन ध्यान रखना जैसे अगर ING लिखा है तो फिर ING में वाई कन्वर्ट नहीं होता आपका, जैसे कैरी का कैरिंग करेंगे तो CARRY ING होगा, वाई आपका आई में कन्वर्ट नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन भी आपके ड्राई, तो ड्राईली DRY LY होगा, ये एक्सेप्शन है आपके। अब आते रूल नंबर सेवन पे। अगर कोई वर्ड डबल एल से फिनिश हो रहा हो, अगर कोई वर्ड डबल एल से फिनिश हो रहा है और उनमें उस पर जो सफिक्स है फुल सफिक्स लगा रहा है, फुल FUL सफिक्स लगा रहा है, तो उस वर्ड का एक एल हट जाएगा और एक एल इसका हट जाएगा, सफिक्स का भी एक एल हट जाएगा और एक उस वर्ड का हट जाएगा। जैसे स्किलफुल, तो स्किल की स्पेलिंग क्या है SKILL और FULL, तो इसको करेंगे तो ये आपका स्किलफुल क्या होगा SKILFUL डबल एल दोनों, एक एल इससे हट गया और एक एल इससे हट गया। या आप देखेंगे फुलफिल FUL और प्लस FIL, तो इसका हो जाएगा FUL और FIL, तो फुलफिल FUL FIL फुलफिल FUL FIL फुलफिल। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि इसमें क्या हो आपका वाई और इससे पहले आपका कोई वोवेल्स आ रहा हो, तो वाई में भी आपका वाई नहीं हटेगा, वाई वैसा का वैसा ही रहा। जैसे प्रे का हो जाएगा प्रेड प्ले का प्लेड, एंजॉय का एंजॉयमेंट, ये आपका वाई रहेगा, चेंज नहीं होगा। कुछ एक्सेप्शन देते से का देख लो सैड,
पे का पैड, ले का लेड, डे का डेली, इस तरीके से आपका होगा। तो ये सिंपल था आपका वाई का जो सफिक्स में था, जैसे पे प्रे का प्रेड, प्ले का प्लेड, एंजॉय का एंजॉयमेंट, वाई का वायर, पे का पेएबल, स्टे का स्टेड। अब आते हैं रूल नंबर 8 पे। रूल नंबर 8 में अगर कोई वर्ड आपका आई ई से फिनिश हो रहा है, आई ई से फिनिश हो रहा है और उसमें आप आई एन जी सफिक्स लगाएंगे, आई एन जी सफिक्स लगाते हैं तो आई ई जो होता है आई ई की जगह आपका वाई आ जाता है, आई ई की जगह आपका वाई आ जाता है। जैसे डाई, डी आई ई डाई, तो इसमें आपका आई एन जी लगाएंगे तो डी वाई आई एन जी हो जाएगा। आई ई आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में डी आई ई डाई, तो इसका हो जाएगा डी वाई आई एन जी। टाई, जैसे टी आई ई टाई, तो टी आई ई, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका आई, तो टाइम टी वाई आई एन जी टाइम। लाई, एल एल आई ई लाई, तो इसका लाइन क्या हो जाएगा एल वाई आई एन जी, एल वाई आई एन जी। सिंपल क्या था, आई से फिनिश होता है, अगर हम आई एन जी लगाते तो आई आई आपका वाई बन जाता है। तो इसी के साथ आपके स्पेलिंग रूल्स जो थे 8 स्पेलिंग रूल्स मैंने आपको बताए टोटल, ये फिनिश होते हैं आपके इसमें ही। स्पेलिंग्स आपको नहीं, इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ये तो नहीं कह सकता कि भाई आप स्पेलिंग बहुत सही लिख सकते हो, लेकिन इससे आपकी जो आप छोटी छोटी गलतियां करते थे स्पेलिंग लिखने में वो आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आपने इन पर फोकस कर लिया तो। बाकी मैं आपको जो स्पेलिंग सेंस जो होता है वो एटिमोलॉजी से बनता है, एटिमोलॉजी होता है जिससे स्पेलिंग सेंस आता है। इसमें आपको आगे लेके अगर आप मेरे वीडियो ऐसे ही पसंद करते रहेंगे, लाइक करेंगे, तो मैं गाइज आपको एटिमोलॉजी सिखाऊंगा जिससे आप स्पेलिंग सेंस सीख जाएंगे। जी हाँ, तो गाइज आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।